जुर्म के रास्ते कितने ही मखमली क्यों ना हो सर, खत्म तो जेल के कंबल में ही होते हैं। नहीं, ये दवाई खाने के लिए है। अच्छा, तो आप खा लो। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे बुरे लोगों की जिन्होंने बहुत बुरे काम किए एंड स्टिल दे गॉट अवे विद इट। तो बाबा लोग फटाफट से सब्सक्राइब कर दो नहीं किया तो, और तुम्हें पता ही है अनशेंड सजेशंस के लिए मेरा और रोस्टेड दोनों का इंस्टाग्राम का प्रोफाइल नेम तुम्हारी स्क्रीन पर। भाई से झगड़ा हो गया? ये काम तो पुलिस का है, पैसा तो वहाँ भी देने हैं, आपको भी। मैं हर काम पैसे के लिए नहीं करता। ए, चुप। यार देखो, ये मूवी एक नंबर तो है ही, क्योंकि भाई इसमें विलन का रोल कौन कर रहा है, कौन कर रहा है अपना पर्सनल फेवरेट। यार क्या कहा तुमने? हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं चोर हूँ? हाँ, लोगों के गले काटता फिरता हूँ। और दूसरी तरफ अपना यार, हम सबका प्यारा, अपना विमलू बॉय। वैसे तो पूरा बम्बई मेरा है और धंधे के लिए मुझे जमीन की जरूरत नहीं, विमल है ना मेरे पास। अब ये ना बचपन से बहुत हरामी टाइप का लौंडा होता, चोरी चकारी कैची की तरह मुंह चलाना, मुंह पे फेंक के लोगों की बेइज्जती करना। ये दीज आर जस्ट नॉर्मल थिंग्स फॉर हिम मैन। पांच थप्पड़ मार चुके तुम मुझे, अब जाने भी दो, बच्चा ही तो है। पांच और सूट के साथ। अब छोटे में इतना हरामी था तो बड़े हो गए तो डबल हरामी बनना ही था बॉस। अब ये थोड़े बड़े लेवल का डाका शका डालता है भाई। अपना यार अब अपडेट हो गया है यार। ये उम्र सुधरने की नहीं बिगड़ने की है। तो बाबा लोग इसका बाप होता है एक पुलिस वाला, जिसको अच्छे से अपने बच्चे के जवानी के सुनहरे रंगों का पता होता है। और ये जो शक्ल बनाई है ना इसने, मतलब बाप से रैपट खाने के बाद ये जो शक्ल होती है ना, ये ना रेबेल किड्स वालों की होती है, जिनको भाई कुटाई से कोई घंटा फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि अब तो वो ढीठ हो चुके हैं ना। आ गई अकल ठिकाने। अपनी अकल देखिए, ताला खुला छोड़ दिया तेरी तो। And just look at his posture, man. मतलब zero regrets, dude. देखो साफ सीधी सी बात है, इसको करना होता है मुंबई पे राज, और फिलहाल जो राज कर रहा है उसको भरी सभा में बंदा जाके और खुद निकल लेता है ब्रो, happily ever after. ये आप क्या कर रहे हैं? मैं भगवान के लिए घंटी बजा रहा हूँ। लेकिन यह घंटी कहाँ है? यहाँ भगवान भी कहाँ है? एक डॉक्टर होती है जिसकी आते जाते पेशेंट्स इज्जत की धज्जियाँ उड़ाते चलते हैं। मैंने आपकी सारी दवाइयाँ पैक करके आपके सामान में रख दी है, खाना मत भूलना माँ जी। अरे धूल पड़े तेरी दवाई की बुढ़िया माँ, चल। ये होता है पागल जिसको मेंटल असाइलम में कर देते हैं भर्ती। मेरे साथ खेल रही थी, मेरे साथ खेल रही थी, अब क्या? ये साली मक्खी मेरे साथ खेल रही थी। भाई दादी, आप लोग डिसाइड क्या किया, मैं पागल हूँ कि नहीं? अरे हाँ भाई हाँ। अब असली विलन ना ये बंदा होता है। नया आयो? जी। तो दांत क्यों दिखा रहे हो? और ये साथ में होता है इस हीरोइन का बाप। इसको शॉक रूम में लेकर आओ। मक्खी मक्खी हवला के मुंह से मक्खी। वैसे मुझे पर्सनली तो काफी अच्छी लगी है मूवी, पर एंडिंग में यार बड़ा बुरा सा लग गया थोड़ा, पर शुरुआत में इट वाज रियली फन टू वॉच। मतलब कुछ भी चल रहा है डूड, बंदा लिटरली आधी पैंट पहन के घूम रहा है यार। ये क्या स्टाइल? अब इस बंदे के पास ना कोई स्पैंक करने के लिए होता नहीं है, तो इसलिए वो अपनी पर्सनल नीड को खुद ही पूरा कर लेता था, सेल्फ लव। अब एक दिन ये बंदी इतनी मोटी किताब के थ्रू पता लगा लेती है कि भाई आखिरकार इस पागल की स्टोरी क्या है, तो भाई उसे पता चलता है ये तो बजाता था, मतलब गिटार विटार। दिल कह रहा है तुमसे यूं रिश्ता जोड़ लो। फिर पीछे बैठी इस लड़की की साइकिल गिर भी लेके इसके पीछे पीछे हो लेता है। नॉर्मली इंसान ऊंचाइयों में चढ़ के कूदने का ड्रामा करता है, पर इसने सोचा कि चलो यार कुछ हटके करते हैं, लेट्स डू समथिंग न्यू। तो अब वो इतनी ऊंचाई पे चढ़ के आग लगाने का नाटक कर रहा है भाई, मतलब क्या। और ये नाटक करके भाई पटा ही लेता भाई उसको। कसम से मुझे गाड़ी चलानी बिल्कुल नहीं आती है। Really? हाँ बाबा हाँ। Few moments later. हो गया नहीं सब बराबर। अब बंदी होती है ना थोड़ी चटकी हुई, उसको शौक होता है बहुत ज्यादा मजे लेने का, प्रैंक बाजी करने का। और एक दिन बंदी कहती है कि लोग मछली की तरह तैर कैसे लेते हैं, काश मैं भी तैर पाती। अच्छा। एंड ही इज लाइक अच्छे बेटे फिर से प्रैंक करेगी, और उसको फेंक के निकल लेता है। और जब तक वो वापस आता है प
प्रैंक हो गया आपके साथ। ये सब भांग पड़ने के बाद शी इज लाइक उसको तो प्यार की जरूरत है ब्रो, और अपने गाल से उसकी दाढ़ी फील करने के बहाने से उसको टच कर लेती है। बट ही इज लाइक इसकी तो मेरे से भी हार्ड दाढ़ी आती है, क्यों अच्छी नहीं है। नहीं, अब इसको हो जाता है इससे प्यार और उसको गिरा के उसके खोपड़े में चोट लगवा के इसको कर देती है ये एकदम ठीक ठाक। काश इतनी मेहनत इन लोगों ने और मरीजों पे भी कर ली होती तो आज दुनिया कितनी बढ़िया होती। और ये कौन है? माया। मुझे पता है कि तन्वी है भैया। यहाँ प्यार मोहब्बत चल रही है, उधर उसका बाप इसकी किसी और से शादी करवा रहा है, वो भी इससे बिना पूछे कार्ड भी छपवा लिया भाई। मुझे उससे कुछ नहीं पूछना। जब इसके बाप को पता चलता है then he is like, मैंने अपना सारा का सारा प्यार तुम्हें दिया है और अगर तुमने मुझे मजबूर किया तो मैं एक बेरहम बाप बनने की हद तक जा सकता हूँ। I can be a very cruel father. Hey, पूछा ससुराल में आयो, माँ बाप ने कुछ तमीज वगैरह सिखाई है कि नहीं कि पैदा करके छोड़ दिया, किसी के भी कैबिन में घुस गए और बैठ गए और वो भी उसके सामने जो उम्र में बड़ा है। I'm sorry. इतना गंदा बकवास आदमी, इतना गंदा दल्ला बाप। साला बाप तो छोड़ो यार, ये मतलब इतना दल्ला डॉक्टर भी है भाई, इसको ब्रेन वॉश कर रहा है भाई फिर से कि भाई नहीं नहीं तू ठीक थोड़ी हुआ अभी, और जब वो नहीं मानता तो उसको जबरदस्ती शॉक ट्रीटमेंट दे के इसको अधमरा छोड़ देता है। फिर इसका ये फंटर आता है और ये इसको तड़पते हुए नहीं देख सकता तो ये उसको पूरी तरह मार देता है। One week later. तुम गाल नहीं दबाओगे? माँ कसम नहीं छूंगा। सट के बैठोगे? माँ कसम नहीं सटूंगा। तो अपना अम्मा का साथ ही जाओ ना, हमारा क्या जरूरत है। अब ये होता है फैमिलीज में राइवलरी वाला मैटर, बाइकों पे आके पंकज की गैंग इसको मार देती है तो बदले में इसका बड़ा लड़का दानिश स्कूटर गैंग के कुछ मेंबर्स को उड़ा देता है। फिर स्कूटर गैंग इज लाइक अच्छिया बेटे और उसको उड़ा के कट लेते हैं। अब दूसरा लड़का होता है उसका फैजल, वो भाई अव्वल दर्जे का नशेड़ी है। अब ये सारे दोगले लोगों की मुंडियां अलग करके उसके घर के चौखट पे लटका देता था। पूरे शहर में इसका खौफ फैल गया, लोगों की फटने लग गए भाई अब इससे। अब इसकी जिंदगी का एक ही मकसद, बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा तेरा फैजल। अब जहाँ शहर के लोग खौफ खाते हैं इससे, ठस्से में वहाँ ये खौफ खा रहा है अपनी सेटिंग से भाई। इसका एक छोटा भाई भी होता है परपेंडिकुलर, जो भाई गलत ही ब्लेड जी है और फुल पावर दिन दहाड़े लूट पाट मचाता है ब्रो। हम परपेंडिकुलर हैं, हमले लिए ना आई थिंक होता है। फिर सरदार खान की दूसरी बीवी याद है ना तुम्हें, उससे भी एक बेटा था डेफिनेट। भाई ये मतलब क्या चल रहा है, सस्ती सिगरेटों के नाम रखे हुए हैं बच्चों के इन लोगों ने, मतलब क्यों? ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। अब स्कूटर गैंग मिलके ब्लेड जी परपेंडिकुलर को मार देते हैं, फिर ये उल्टे बंदे मार देते हैं उनके, तो गाइस फिर हो जाता है इन लोगों के खेलने का टाइम, ये बदला बदला वाली गेम चालू कर देते हैं और ऐसे ही खेलते खेलते अपना फैजू भी मर जाता है। और मारता कौन है? मारता डेफिनेट सो दैट ही कैन रूल वासेपुर, एंड ऑल्सो फैमिली फ्यूड्स करवाने वाला होता कौन है ये नेता। इसमें हमारा फायदा वासेपुर तुम्हारा और आपका। अब रू जो बची है लुटा जाएगा। तुम्हारी रफ्तार बहुत तेज है, मुझे जहाँ पहुँचना है उसके लिए ये रफ्तार बहुत जरूरी है। एक होता है डॉन जो बहुत तगड़ा चोर होता है, सब इसको ढूंढ रहे हैं और ये यहाँ पे बेले बेले खेल रहा है, बाथटब में टॉम एंड जेरी देख रहा है। अब बंदे को पकड़ने के लिए बंदी से सेड्यूस भी करवा लिया। मैं आखिरी बार कहूंगा फिर मजबूरन मुझे। प्लान फेल्ड। फिर एक एजेंट लड़की को इसकी टीम में भर्ती करके भी देख लिया। मुझे जंगली बिल्लियां बहुत पसंद है। वैसे बाबा लोग डॉन इज वेरी रिच, बहुत पैसा है भाई पे, पर इसके साथ भाई में सेंस ऑफ ह्यूमर भी गजब का है भाई। क्या है ये, तुम्हारी शादी का डीवीडी? अब पुलिस वाले खोट डालते हैं भोजपुरी वर्जन ऑफ डॉन को, क्योंकि डबल रोल भी तो जरूरी है ना मूवी में। ये तो हम ही। अब असली डॉन को बेहोश करके रखा हुआ है टू मेक भोजपुरी डॉन स्टडी अबाउट हिम, सो ही ब्रिंग्स ऑल द इंफॉर्मेशन पुलिस नीड्स, बट द असली डॉन डाइज ड्यू टू सम वेरी हेवी वर्ड्स द डॉक्टर सेड इन द मूवी। अब ये सीक्रेट किसी को बताया नहीं होता, नॉट इवन हर। मैं कौन हूँ, तुम सब कौन हो? एक दिन टीम में शामिल हुई बंदी करती है वार, बिकॉज उसको अपना भी तो बदला लेना ना भाई, और पुलिस वाला उसको बताते कि अरे बहन रुक जा यार, असली डॉन तो मर गया, ये तो हम शक्ल है। एंड शी इज लाइक ओ शिट, अभी तो मुझसे पाप हो जाता यार। फिर बस लास्ट में कुछ नहीं, उसको गोली वोली लग जाती है और क्या। आई लव यू। मुझे भी जंगली बिल्लियां बहुत पसंद है।
पहले तो दीदी हंस के शर्मा गई, फिर बाद में दीदी फट गई भाई कि अरे पैन ये तो अपना असली डॉन था बे। ये डॉन ने मुझसे कहा था मेरे कान में, अगर ये विजय तो इसे ये बात कैसे मालूम? भाई डॉन बहुत ना शाणा था, मतलब उसने ना सब सुन लिया था भाई पहले ही, तो बंदे ने बॉडी स्विच करके भोजपुरी डबल गैंगर को मार दिया था। नाउ ही इज ऑल फ्री बेबी। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं। अरे देख टॉयलेट पेपर है क्या बात? फेंकू? हाँ फेंक। रेडी? फेंक ना। पकड़ा सर कैच? यहाँ पे बाबा लोग मर्डर हुआ है और ये लोग मस्त यहाँ पे चाय बना रहे हो। अदरक डाला है? डाला है, इलायची नहीं है। अब इस लेखक पे होता है चार्ज डबल मर्डर का, पहली अपनी वाइफ का। घर पे क्यों मारा वाइफ को? बुद्धू माथेरान ले जाता, वादियाँ देखते देखते ढकेल देता, वो आ करके नीचे जाती और तुम वाह करके घर आ जाते। एक तो ये ऊंचे दर्जे का पुलिस वाला इसकी इडली भी खा गया डूड, और फिर लेखक बोलता है कि भाई मैंने तो किया ही नहीं यार कोई मर्डर वर्डर। अपनी बीवी का मर्डर करके कैसे घर में घुसे जहाँ एक बीवी ने अपने पति का मर्डर कर दिया था? अब ये बंदी कह रही है कि भाई मैंने तो अपने पति को मारा ही नहीं, इसने मारा है। और ये कह रहा है कि अरे भाई मैं थोड़ी हूँ यार ब्रो, कातिल वो लड़की है। और इस ऊंचे दर्जे के पुलिस वाले की खोपड़ी घूमी पड़ी है कि यहाँ साला ये दो इडली खाने के बाद भी इसको समझ नहीं आ रहा कि भाई असली कातिल कौन है। पुलिस वाला अपनी पता नहीं कहाँ की मैच लगाता दो पैसे की और बंदी को डाल देता जेल में और इस बंदे को कर देता फ्री। वैसे अगर तुम्हें सस्पेंस नहीं जानना और मूवी देखनी है, क्योंकि मूवी बहुत अच्छी है, मुझे तो सही लगी है मूवी, तो तुम 10 सेकंड स्किप कर दो। बट गेस व्हाट गाइस, एक्चुअली मैं इसी ने खून किया होता भाई, वो भी दोनों खून। अब खूनी फरार भी हो चुका है भाई। इट वॉज लवली मीटिंग। चुप चुप।